अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर रहे थे, आज लास्ट वाला रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमराइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी नॉर्मल जिंदगी के हवाले से भी। क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाला रिएक्शन आपका यूज़ हो रहा है रबर इंडस्ट्री में, आपके टायर वगैरह जहाँ भी बन रहे होते हैं वहाँ भी ये वाला रिएक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो पॉलीमराइजेशन इसमें दो तरह की होती है, सही है? तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है, हमने अल्केन में पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई चीज़ है छोटी छोटी सी, इसको हम छोटी छोटी चीज़ों को हम नाम दे रहे होते हैं मोनोमर्स का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोनोमर्स का। जब इनको कैटालिस्ट और टेम्परेचर की मौजूदगी में, कैटालिस्ट कोई ना कोई यूज़ करेंगे और सेकंड नंबर पे हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे क्या करेंगे? आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और लंबी लंबी चेनें बना देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन, और इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं पॉलीमर का। क्या नाम देते हैं? पॉलीमर का। और जो यहाँ पे जो बेसिक इकाई है जो बार बार जुड़ रही है इसको हम नाम देते हैं मोनोमर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मोनोमर, मोनोमर, सही है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इस प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच वो तरीका का जिसमें द मोनोमर्स आर कंबाइन ये आपस में मिल रहे होते हैं टू फॉर्म पॉलीमर्स बनाने के लिए एट हाई टेम्परेचर पर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ और किसकी मौजूदगी में ये काम हो, कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये वाला काम हो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, सही है। इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं पॉलीमराइजेशन का। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सही, बुक में कहीं पे भी नहीं दी गई। यहाँ पर ना इसकी जो पॉलीमराइजेशन है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सही है। आप टेम्परेचर किस तरह का दे रहे हो, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, सही। पॉलीमराइजेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, दो टाइप्स हमने बना रखे हैं इसकी पॉलीमराइजेशन की, और ये जो टाइप्स है ना ये डिपेंड कर देती है द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर टाइप्स की बात करें किस बेस पे हमने बनाई है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर भी डिपेंड करेंगी एंड कैटलिस्ट, और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है। तो ये दो चीज़ें, अगर आप टेम्परेचर और कैटलिस्ट चेंज करोगे आपकी पॉलीमराइजेशन की टाइप ही चेंज हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो टाइप्स हैं, उनके पहले नंबर पे आपने नाम याद रखना है। एक होती है हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और एक होती है ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। और सेकंड हमारे पास टाइप है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, सही है। तो ये दो टाइप्स हैं, साइक्लिक और ए साइक्लिक का आपको मतलब पता है, साइक्लिक क्या होता है, जिसमें रिंग पाई जाए, सही है, और ए साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जिसमें रिंग मौजूद ना, मतलब स्ट्रेट चेन में कार्बन जुड़े हों या ब्रांच चेन में जुड़े हों, उसको हम नाम दे रहे होते हैं ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सर, सबसे पहले बात हम करेंगे ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के हवाले से ना आप कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो कहता है जी कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट एसिटाइलिन को कन्वर्ट कर दो इनटू क्लोरोप्रीन नहीं कहेगा तो इसकी जगह पे कहते हैं विनाइल क्लोराइड। ये बच्चे पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आपने कन्वर्ट करना है
क्लोरोप्रीन एसिटाइलिन को ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज लेनी है उसको क्लोरोप्रीन में कन्वर्ट करो या फिर विनाइल क्लोराइड में सॉरी विनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या विनाइल एसिटाइलिन में इसको कन्वर्ट करना है। और ये वाला रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खसूसन ए साइक्लिक पोलीमराइजेशन वाला नहीं है, जो साइक्लिक पोलीमराइजेशन वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में बारहा दफा आ चुका है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं ए साइक्लिक पोलीमराइजेशन की बात करें तो बच्चे इसमें जो कंडीशंस है ना दो चीजें चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पे कंडीशंस की, कंडीशंस तो दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहले नंबर पे दोनों के दोनों कैटलिस्ट हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 पहले नंबर पे ये वाली चीज है, और सेकंड नंबर पे जो चीज आपने याद रखनी है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज यूज एज अ कैटलिस्ट, यूज एज अ कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को हम यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इनके रिएक्शंस। ज़रा रिएक्शन को ना देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल सा रिएक्शन है। एक चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी वो ये थी कि आपने ये वाला चीज़ याद रखनी है, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप कहीं पर भी आता है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इसका हम नाम हमेशा क्या देते हैं विनाइल, क्या नाम देते हैं विनाइल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर ली थी। अगर आपको ये कहीं पर भी मिलता है तो उसका नाम हमेशा हम विनाइल से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा हमारे पास क्या रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ ले ली, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ है क्योंकि पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है जी सेम तरह की चीज़ें आपस में जुड़ रही होती हैं। सही, यहाँ पे हमने किस चीज़ की पॉलीमराइजेशन पढ़नी है, अल्काइन के, अल्काइन में हमने एग्जांपल ले लिया एसिटाइलिन। मैं दो एसिटाइलिन को यहाँ पे इकट्ठे बनाऊंगा, दो एसिटाइलिन मैंने यहाँ पे इकट्ठे बना लिया। सही, अब होता क्या है, आपने जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना है उसको आप यहाँ पे मैंशन कर दो क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड को यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट, अमोनियम क्लोराइड को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे। अब होता क्या है, ये वाला बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट होना है, क्या होना है, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहां पर गौर कीजिएगा एच सी 1 2 3 सी सिंगल बॉन्ड सी, नेक्स्ट हमारे पास एच इसके साथ वैसे का वैसा रहेगा डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब यहां पर चेक कीजिए हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड ना आपका ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, जब ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कौन सा बॉन्ड रह गया डबल, और ये वाला एक बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट हो गया। जब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपका यहां पे तो हाइड्रोजन पूरे, लेकिन यहां पे आपके बॉन्ड चेक करोगे ना कितने बनने शुरू हो जाएंगे, अगर यहां पर मैं यहां पर भी अगर हाइड्रोजन लगा देता हूं इसके साथ भी अगर हाइड्रोजन होता है तो बॉन्ड चेक करो 3 और 1 4 4 और 1 5 बॉन्ड बन रहे हैं। सही, 5 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए, तो क्या होता है जी आपका यहां से एक हाइड्रोजन उतरता है, यहां से हाइड्रोजन उतरेगा, उतरने के बाद इस कार्बन के साथ आगे लगेगा, वैलेंसी सारी पूरी हो जाएंगी। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है ये भी चेक कीजिए, देखो इतनी चीज को आप क्या नाम देते हो, मैंने वहां पे लिखा हुआ ये वाली चीज है विनाइल, और ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज को अगर दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इसको कहते हैं एसिटाइलिन, और यह क्या है विनाइल एसिटाइलिन, ये क्या हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन। अगर तो आपको ये आता है जी कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू विनाइल एसिटाइलिन, एक ही स्टेप करके खत्म कर देना है, उसमें कंडीशन वगैरह बता देनी है आपने। सही, अब इसके बाद आपका रिएक्शन यहां पे खत्म नहीं होता, आपने नेक्स्ट ये वाली चीज दोबारा फिर लेनी है, ये वाली चीज इसको दोबारा फिर लो, ये क्या हमारे पास एक एसिटाइलिन और ले लिया मैंने, इसके अंदर एक और एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल ऐड करना है, और वो वाली चीज़ मैंने दोबारा फिर ले ली एच सी 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है सी एच डबल बॉन्ड सी एच 2, और यहाँ पे दोबारा फिर आपका किसके मुझे क्यूप्रस क्लोराइड और Cu2Cl2 एंड अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अब क्या होना, अब आपका ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, तो जब ये वाला बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट होगा तो आपके यहां पे ये 5 बॉन्ड बनेंगे, इस कार्बन के बनने शुरू हो जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन उतर के यहां पे आ जाएगा। चेक कीजिएगा यहां पे, मैं पहले बना देता हूं यहां पे क्या बॉन्ड एच 2C डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड
एच सी डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वैसे का वैसा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पर गौर किया क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड, ये वाली चीज़ एसिटाइलिन वाली है, ये वाली चीज़ पहले वाली मौजूद है हमारे पास, सही, यानी कि ये वाली चीज़ इतनी यहाँ पर उठा कर लिख दी है, ये वाली चीज़ इतनी मैंने यहाँ पर उठा कर लिख दी है, सिर्फ ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, सही। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पांच बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे, आपने करना है क्या, इसको उठा के इस साइड में लगा देना बस, और ये आपका होगा। और इसका नाम अगर देखा जाए ना, क्या नाम होगा, इसमें चेक करो, पहले नंबर पे एक विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, क्या बन गया, इसको कहते हैं डाई विनाइल, क्या कहेंगे इसको, डाई विनाइल। और ये जो दरमियान में लगी हुई है ना ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज, दो कार्बन के दरमियान में जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसको हम नाम दे रहे होते एसिटाइलिन, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन, सही। अब कहते हैं जी आपके पास विनाइल एसिटाइलिन बनता नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे होते हैं तो क्लोरोप्रीन बनता है, क्या बनता है, क्लोरोप्रीन, यही बात हम यहां पर लिखेंगे, व्हेन विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन इज रिएक्टेड विद, इज रिएक्टेड विद, जब ये क्या किसके साथ रिएक्ट करे, विनाइल एसिटाइलिन विद कंसेंट्रेटेड एच सी एल, देन इट फॉर्म, देन इट फॉर्म, तो ये कौन सी चीज बना देना, इट फॉर्म क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, तो ये क्लोरोप्रीन बनाएगा। सही, जरा गौर कीजिएगा, विनाइल एसिटाइलिन कौन सी चीज, इस पूरे को उठा के आपने यहां पर लिखना, वो वाले को पूरे को उठाओ, ये क्या हमारे पास एच सी एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच टू है। अब इसमें आपने एच सी एल को ऐड करना है, और एच सी एल कौन सा है, कंसंट्रेटेड एच सी एल, कंसंट्रेटेड एच सी एल को यूज करना है, सही है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर होता क्या, आपने एच सी एल को यहां पर ऐड करना है, और यहां पर ऐड करते वक्त ना थोड़ा सा मार्कोनी का रूल को ख्याल रखिएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करोगे, इन दो कार्बन के अक्रॉस आपने ऐड करना है। अब इन दो कार्बन को गौर करोगे ना, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक, और दूसरे कार्बन के साथ कितने हैं, जीरो, मतलब ये अनसिमेट्रिक एजेंडा ना एच सी एल, तो नेगेटिव पार्ट आपका हमेशा वहां पे जा रहा होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम क्या होंगे, लेस, तो आपका क्लोरीन कहां पर लगेगा, यहां पर, सही है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, और हाइड्रोजन आपका यहां पर लगेगा, यहां बन जाएगा एच टू सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर लगेगा सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन उतारा यहां पर लगा दिया सी एच टू बन गया, और क्लोरीन उतारा यहां पर लगा दिया, बाकी सारी की सारी चीज मैंने सेम लिखी है, और ये वाली चीज हमारे पास कहलाती है क्लोरोप्रीन, क्या कहला रही होती है, क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन होती है, क्लोरोप्रीन की नेक्स्ट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होते हैं, सही, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो बच्चे इसके नतीजे हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है न्यूप्रीन, न्यूप्रीन। और न्यूप्रीन याद रखिएगा, न्यूप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, न्यूप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, सही है। और सिंथेटिक का मतलब होता है जो खुद लैब के अंदर तैयार की जाए, एक होती है नेचुरल रबर जो पौधों से हासिल की जाती है, ये वाला जो न्यू प्रीन है ये बच्चे सिंथेटिक रबर है जो आर्टिफिशियली तैयार की गई है, सही है। ये था जी हमारे पास कौन सी पॉलीमराइजेशन, ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को जिस तरह भी कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इन टू विनाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रीन, ये भी कह सकते हैं, सही। अब ये वाली चीज़ तो हमने कर ली, इसमें जो सिंपल सी चीज़ है बच्चे, दो एसिटाइलिन को मिलाया तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसिटाइलिन बनाया, विनाइल एसिटाइलिन का जब एचसीएल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोप्रीन बनता है, क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होती है जब न्यूप्रीन बनता है,
और ये वाला एक छोटा सा दरमियान में एक एक्स्ट्रा स्टेप किया, हालांकि इसको अगर उठा ग्लास में भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले दो क्लोरीन को मिलाओ, विनाइल क्लोरीन विनाइल एसिटाइलिन बना दो, विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा दो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्लोरोप्रीन बनेगा। क्लोरोप्रीन के बाद आपका क्लोरोप्रीन की आपस में पोलीमराइजेशन होती है, न्यूप्रीन बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम चाहूँ तो क्या बनेगा? क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नेम, आप कहते हैं जी इंट्री टेस्ट की तैयारी, आपसे इंट्री टेस्ट में इस तरह के सवाल किए जाते हैं, वो कहते हैं राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आईयूपीएसी नेम ऑफ क्लोरोप्रीन, कौन सा आईयूपीएसी नेम है क्लोरोप्रीन का? फार्मूला नहीं देंगे आपको, डायरेक्ट आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्टिव एमसीक्यू बने तो इस तरह के बन रहे होते हैं। सही, तो नाम देने के लिए सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन किस साइड से करीब है, दोनों साइड से बराबर है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट किस साइड से करीब लगा हुआ है, इस साइड से, तो आप क्या करोगे सबसे पहले नंबरिंग दोगे 1, 2, 3 एंड 4। सही, दो पे क्या लगा हुआ है? 2 क्लोरो। इसके बाद पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 1, 3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन ये इसका नाम है, 2 क्लोरो 1, 3 ब्यूटाडाइईन। सही, अगर इसका नाम देना पड़ जाए तो इसका भी आपको यूपीएससी नेम नोमेनक्लेचर आना चाहिए। सही है, तो आप बेशक इस साइड से नंबरिंग दे दो या इस साइड से नंबरिंग दे दो, दोनों साइडों पर ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है। सही है, तो अगर मैं इसका नाम दूँ ना यूपीएससी नेम, ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। सही, प्रायोरिटी आपने ट्रिपल बॉन्ड को ही देनी है। सही, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले पे और पाँचवें पे 1, 5 हेक्सा डाई इन, और इसके बाद तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसलिए कहेंगे 3 आइन, क्या कहेंगे? 3 आइन, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। सिर्फ डाई विनाइल एसिटाइलिन का आईयूपीएसी नेम 1, 5 हेक्सा डाई इन 3 आइन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अभी एक टाइप हमने पॉलीमराइजेशन की रिसर्च की है, जो सेकेंड टाइप पर बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमन याद कर लीजिएगा। अगर बेशक ये वाली चीज़ें छोड़ दो दरमियान से, लेकिन ये वाला लाजमी करना, यह है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और इसके मुतालिक जो क्वेश्चन आ रहा था ना पेपर में, कुछ इस तरीके से आएगा, वो कहेगा कन्वर्ट एसिटाइलिन इंटू बेंजीन, कन्वर्ट एसिटाइलिन एसिटाइलिन इंटू बेंजीन, एसिटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो? बेंजीन में। ये पास्ट पेपर में काफी दफा आ चुका है, और ये आपका यही वाला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के अंदर मौजूद है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हम एसिटाइलिन लेते हैं, उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेम चीज पॉलीमराइजेशन होगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, बड़ी चीज बना देंगे, और ये है कौन सी? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें जो भी चीज बनेगी वो साइक्लिक फॉर्म में होगी। सही, तो यहां पर अगर कंडीशन की बात करूं, कंडीशंस भैया, दो चीजें यहां पर चाहिए। पहले नंबर पर टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर ट्यूब इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कॉपर ट्यूब इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कॉपर ट्यूब को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है आपने। सही, ये दो चीज़ें जहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है। अब कॉपर ट्यूब का मतलब क्या है, इसको प्रिपेयर करने के लिए पता क्या करते हैं हम? सबसे पहले इस तरह की कॉपर ट्यूब होती है, ये हमारे पास कॉपर ट्यूब है। ट्यूब का मतलब आपको पता है, नाली को कहते हैं। ट्यूब किसको कह रहे होते हैं? नाली को कहते हैं। ये हमारे पास कॉपर ट्यूब है। इस कॉपर ट्यूब को हमने रखा होता है एक ओवन के अंदर, और जहाँ पे हम इसको टेम्परेचर कितना दे रहे होते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आप करते हैं क्या, आप यहाँ से एसिटाइलिन इसके अंदर डालते हो, यहाँ से क्या करोगे, एसिटाइलिन अंदर जाएगी ट्यूब के अंदर, और यहाँ से आपकी बेंजीन बाहर आएगी, यहाँ से क्या आएगी, बेंजीन बाहर आएगी। ये तरीका कार है जो यूजली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
कॉपर ट्यूब को यूज करना है एज अ कैटलिस्ट, ये कॉपर ट्यूब है सही है, और टेम्परेचर यहाँ पे देना 300 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद आपके पास बेंजीन बन जाएगी। अब रिएक्शन होता किस तरह है, ये चीज़ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है सही। इसको ना बनाने के लिए आप क्या करो, पहले 6 कार्बन बना लो इस तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। अभी बताता हूँ बाकी क्या काम करना है। बाकी ये है कि इस कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड, इन दो कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, इन दो कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। मतलब हमने क्या किया, 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लिए हैं। ये देखो ये 1 एसिटाइलिन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। और यहाँ पर जो कंडीशन आपने प्रोवाइड करनी है, ये है कॉपर ट्यूब इज यूज एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता क्या, बॉन्ड ट्रांसफर होना है, आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा सही है। तो जिसके नतीजे हमारे पास जो चीज़ प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कुछ ये वाला होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, अब जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए भी आपने क्या करना है, 6 कार्बन लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने 6 कार्बन लगा लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पे अब कितने बॉन्ड रह गए, 2, एक बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सही। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड रह गए, 2, एक बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे कितने बॉन्ड रह गए, 2, एक बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ऐसे ही है। और इसके नतीजे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सही है। और ये जो चीज़ बनी है बच्चे, इसको नाम दे रहे होते हैं बेंजीन का, क्या नाम देते हैं, बेंजीन का। अगर इस तरह बनाना चाहते हो तो इस तरह बना लो, अगर आपको नहीं पसंद इस तरह तो आप इस तरह स्ट्रक्चर बना के ना इस तरह, अब जहाँ भी डबल बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इस तरह भी बना सकते हो उसकी जगह पर, ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है सही। लेकिन कुछ करो थोड़ा सा ओपन करके लिख दोगे तो आपके लिए आसान होगा, आपके लिए इजी रहेगा। और ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, काफ़ी दफ़ा आ चुका है सही है। तो इसको लाजमी यहाँ पे हेडिंग आपने तो खुद दे लेनी है, ये क्या हमारे पास रिएक्शन है, ये क्या हमारे पास रिएक्शन है, बस ये था तरीकाकार। हमारे पास पॉलीमराइजेशन का, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ी चीज़ बना देते हैं। पॉलीमराइजेशन दो तरह की है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, देख लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। यहाँ पे कैटलिस्ट अगर यही देखो, यहाँ पे भी एसिटाइलिन है, वहाँ पे भी एसिटाइलिन है, या ये वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो स्ट्रेट चेन में पॉलीमराइजेशन होगी, अगर ये वाला कॉपर ट्यूब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हो तो आपकी ब्रांच क्या दिया, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास दो टाइप्स है पॉलीमराइजेशन, एक है एसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हमारे पास दो जो चीज़ें बन रही होती है वो है विनाइल एसिटाइलिन और क्लोरोप्रीन। ये खुसूसन याद रखिए कि क्लोरोप्रीन और न्यूप्रीन, न्यूप्रीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, सिंथेटिक रबर है, रबर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आपकी बेंजीन बन रही होती है, और आपको क्वेश्चन अमूमन इसी तरीके से आ रहा था, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी मौजूद है ये वाली चीज़, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।